Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. साहब ये क्या तमाशा है, अभी मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और ये लोग कह रहे हैं आज जाना होगा। हाँ श्याम, आज छठी बार तुम यहाँ से जा रहे हो। समझ में नहीं आता इस तरह शराब क्यों पीते हो, क्यों झगड़ा करते हो लोगों से। जब भी कोई बदमाश मेरे गांव की शरीफ बहू बेटी की इज्जत लूटता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं देता हूँ उल्टे हाथ की और सीधा पहुंच जाता हूँ आपके पास। आप क्या जाने मैं क्यों पीता हूँ, अपना दुख किसी को बताने से क्या मिलेगा। अच्छा दरोगा साहब, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मिलेंगे। अबे अपना गंगू से रहे ना, राजा है। ओ, ओ, क्यों रे रसीली, तेरी इन रसीली आंखों का क्या दाम है। अरे राम करे गंगू, तुझ पर बिजली गिरे। अच्छा बिजली मेरे ऊपर नहीं श्यामू के ऊपर गिरती है, श्यामू के ऊपर। तुम्हारा पाप। देख लूंगा बच्चू। अबे जा जा। राधा, श्यामू भैया तू आ गया। भैया तू न संभालता तो मैं गिर जाती। पगली, और मेरे होते हुए तू कैसे गिर सकती है? इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो, दारू का अड्डा तो पीछे रह गया। आज दारू की छुट्टी। क्यों 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 क्यों, आज क्या सूरज पश्चिम से निकला था? आज राधा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा। उनके लिए मिठाई लाना है। हाँ। जल्दी कर, वो आगे होंगे। हमें क्या पता था कि तुम्हारी लड़की अंधी है, बुद्धू बनाने के लिए क्या हम ही तुमको मिले हैं? अगर ये देख नहीं सकते तो इसमें इस बेचारे का क्या दोष है। आंखों से देखकर जहर कौन खा सकता है, तुम्हारी अंधी बेटी को कौन गले बांधेगा। मान संभाल के बात कर बुड्ढे। श्यामू, मेरी बहन पर उंगली उठाने वाला बच कर नहीं जा सकता, निकल जाओ, चला जाओ। शरण, मैं लोगों को समझा बुझा कर लाती हूँ और तू उनकी आबरू उतार कर रख देता है। तुमने हमें धोखा दिया, हमें क्या पता था कि तुम्हारी लड़की अंधी है। मेरी बेटी में सभी गुण है, तुम्हारी अंधी बेटी को कौन गले बांधेगा। जाने दो भैया। क्या रामी अंधी भीख मांग कर अपना पेट नहीं पाती? तूने फिर ऐसा कहा ना तो मैं जान दे दूंगा। भैया तू चुप क्यों है रे? मैं जानती हूँ, कल नूरपुर वाले राधा को देखने आए थे और बुरा भला कह के चले गए। अरे तू घबराता काहे को है, सुना है शहर से बहुत बड़े आंखों के डॉक्टर आए हैं, चल हम वहाँ राधा को ले जाए। क्या जन्म से अंधी है? ये जन्म से अंधी नहीं है, एक दिवाली की रात को डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, मेरी बहन को आंखें दे दीजिए। तुम फिक्र मत करो, आजकल आंखों के नए नए इलाज निकल आए हैं, एक की आंखों की पुतली दूसरे की आंखों में डाली जा सकती है। डॉक्टर साहब अगर ये बात है तो आप मेरी आंखें ले लीजिए, लेकिन मेरी बहन की आंखें ठीक कर दीजिए। अगर रुपए का इंतजाम हो जाए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए 4-5 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी। 5 हजार रुपए 5 पाई है, जाओ तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाओ। गंगू की सलाह के बगैर मैं कोई काम नहीं करता। गंगू से सिफारिश ले आओ, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। इस गंगू के कारण यह मुझे कोई 1 पैसे का काम नहीं देता, शहर तो जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर बाबू तुम? मैं श्यामू, वो धर्म, वो धर्मपुर वाला। अच्छा, लेकिन यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे कमाने आया हूँ, मेरा मामा शादीलाल यहाँ रहता है। आप मुझे मेरे मामा के पास छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी। सीमा, तुम्हारा डॉक्टर अभी तक नहीं आया, किसी का इलाज कर रहे हो? अरे डॉक्टर आ गए, आप ही बता लेता हूँ। भागो भागो, अभी देखता। जवान बेटी घर में है और तुम उसके रिश्ते के लिए कोशिश नहीं करते, दुनिया तो मुझे ताना दे। सौतेली माँ हूँ, जवान बेटी को घर में बिठा रखा है। अरे भाई कोई काम का रिश्ता भी तो आए। आए कैसे, जो आता है वो बाप बेटी को पसंद नहीं आता। समझ में नहीं आता शादीलाल में क्या बुराई है।
शादी लाल की उम्र ज्यादा है। तो मैंने तुमसे कैसे शादी कर ली? अब उस बच्ची को ठिकाने भी मुझे ही लगाना है। मुझे तो शादी लाल ही पसंद है। तुमसे कितनी बार कहा है मेरी शादी के लिए झगड़ा मत किया करो, मुझे शादी नहीं करनी। हाँ हाँ, तू क्यों करेगी शादी? तू तो मेम साहब बनकर घूमती रहेगी। मैं कह देती हूँ तुम्हें शादी लाल से ही शादी करनी पड़ेगी। अरे श्यामू, तुम यहाँ कैसे? अरे गिरधारी तुम? अरे बड़े तेरे तो ठाट है यार। लेकिन यार तुम शहर में आकर गांव को भूल गए? अरे वो तो है ही, लेकिन तू यहाँ कैसे? अरे यार नौकरी की तलाश में यहाँ आया हूँ, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। बड़ा तंग आ गया हूँ यार। कोई बात नहीं, हाँ मैं नौकरी दिलाता हूँ। मेरा सेठ है ना, बड़ा दिलदार है, श्यामू मेरे गाँव वाला है, भरोसे का आदमी। मगर हमारे पास तो अभी कोई जरूरत नहीं। काम का आदमी लगता है बॉस, इसे रख लीजिए। तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ डार्लिंग। ठीक है गिरधारी, इसे अपने साथ रख लो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी जो तुमने मुझे ये नौकरी दिलवाई। अब मैं अपनी बहन का इलाज करवा सकूंगा। ओरे गाड़ी तेज चलाओ। क्या बात है, गाड़ी इतनी तेज क्यों कर दी? हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। मुझे पता चला कि तुम लोग पाप का धंधा करते हो। ए सेठ, मुझे नौकर रखते वक्त तुमने साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि तुम काला धंधा करते हो? इस गंदी कमाई से मैं अपनी बहन का इलाज नहीं करवाऊंगा। बंद कर दो इसे, और जब तक हमारा वफादार होने की कसम न खा ले इसे भूखा और प्यासा रखा जाए। लेकिन इसका सबूत क्या है कि वो स्मगलिंग का काम करता है? इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारे छापा मारने से पहले उन्होंने सामान इधर उधर कर दिया तो उल्टा इल्जाम आएगा कि हमने शरीफ आदमी को झूठा इल्जाम लगाया। क्या देख रहे? अगर इस आदमी की दाढ़ी निकाल दी जाए तो इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे सेठ से मिलती है। अच्छा हाँ, चलो मेरे बॉस। पुलिस बदमाश बनारसी और पिंटो और हीरा लाल, आज तुम पकड़े गए। शामू कौन है? तुम्हें थाना चलना पड़ेगा। ये मैं पहले ही जानता था, केस का यही अंजाम होगा। साहब शामू को 5,000 रुपया इनाम मिलने वाला, इसने बहुत बड़े बदमाश को पकड़वाया है। कल सुबह तुम थाने आ जाना। भगवान जब देता है ना माँ, तो छप्पर फाड़ कर देता है। मैंने एक बदमाश सेठ का पोल खोला और पुलिस ने मुझे 5,000 रुपया इनाम दिए। माँ जानती हो किस लिए? बेटा भगवान ने तुझे ये इनाम दिया है राधा की लाज के लिए। अरे उस नमक हराम श्यामू ने 5,000 रुपये खातिर बॉस को गिरफ्तार करा दिया है और अपने बहन का इलाज कराने के लिए शहर गया है। दोनों का इलाज हो जाएगा, उसकी बहन का भी और उस कमीने कमबख्त श्यामू का भी। अरे कहाँ हो यार? यार अपन ने ये धंधा छोड़ दिया। अच्छा? हाँ बहुत अच्छा किया तुम। चलो इस खुशी के मौके पर चाय वाय हो जाए। नहीं यार मैं जरा कुछ जल्दी में हूँ। जल्दी क्या है, अरे गाड़ी अपनी है, बैठ। भगवान के लिए मुझसे ये रुपया मत छीन। ये रुपया नहीं, मेरी बहन की आंखें हैं। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है गंगू। मेरे श्यामू को कहीं पता चला? आप दिल बिल्कुल छोटा मत कीजिए, मैंने पुलिस को खबर करवा दी है, उसका जरूर पता लग जाएगा। मैं देख सकती हूँ, सच मैं देख सकती हूँ। डॉक्टर साहब, आपने हम गरीबों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ये एहसान तो चुका नहीं सकता, एक मैं ठाकुर हूँ। इतना वचन देता हूँ कि आपके लिए जान भी देनी पड़ी तो हंसते हंसते दे दूंगा। डॉक्टर साहब श्याम, तुम तो लंदन जा रहे हो, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारी गैरहाजिरी में माँ जबरदस्ती मेरी शादी ना कर दे। भला आज के जमाने में भी कोई किसी से जबरदस्ती कर सकता है? डरो मत,
छह महीने तो यूं पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे, और लंदन से वापस आते ही। सीमा दीदी की चिट्ठी लाओ। दीदी सुनो, लिखता है, सीमा मैं तुम्हारी यादों के सहारे जिंदगी गुजार रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो, एक भी घड़ी एक भी पल ऐसा नहीं गुजरता जब तुम्हारी याद न सताती हो। अब इसकी याद तो तुम्हें उम्र भर सताती रहेगी। ये किसकी चिट्ठी है? डॉक्टर अशोक की चिट्ठी है, सीमा के नाम। ये सीमा को जरूर मिलेगी, लेकिन रूप बदल कर। ये चिट्ठी पढ़कर जितनी हैरानी तुम्हें होगी उससे ज्यादा मुझे यहाँ आकर हुई। डैडी ने मुझे पढ़ाई के बहाने शादी के लिए बुलाया। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि डैडी अपने दोस्त कैप्टन रघुनाथ को वचन दे चुके हैं, डैडी का दिल तोड़ देता हूँ तो शायद उनको हमेशा के लिए भूलूंगा। तुम्हारे प्यार को भुला देता हूँ तो जीते जी प्यार की मौत हो जाएगी। लेकिन सीमा, मैं उम्र भर तुमसे प्यार करता रहूंगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सीमा की शादी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नमस्ते जी। नमस्ते। आप जी? मेरा नाम अशोक है, मैं सीमा से मिलने आया हूँ। फिर तो आपको पैरिस जाना पड़ेगा। लेकिन सीमा की शादी तो आज होने वाली थी। छोकरी से नौकरी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, दूल्हा तो वैसे भी नौकरी मिल गई, उसे जल्दी जाना था इसलिए शादी दो दिन पहले कर दी गई। जी जी हाँ। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रही है, नाश्ता तो करती जा। मुझे भूख नहीं है। जब से तेरी शादी पक्की की है तुझे भूख नहीं लगती। लेकिन याद रख, मैं भी फैसला कर चुकी हूँ, शादी तुझे शादीलाल से ही करनी पड़ेगी। बहुत मजबूरी से अपने दिल पर पत्थर रखकर जा रही हूँ। मुझे ना आपसे गिला है न माँ से, मुझे अपनी किस्मत से गिला है। मौत चाहते हुए भी मैं मर न सकूंगी, एक दिन आपके चरणों में जरूर आऊंगी, आपकी बदनसीब बेटी सीमा। वाह, माल तो बहुत अच्छा है। कहाँ चलिएगा मैम साहब? नूरपुर जानकी हाई स्कूल। लाइए, मैं छोड़ देता हूँ। भैया गजब हो गया, गंगू एक शहरी लड़की को चालाकी से टांगे बिठा कर ले गया है, पुलिस तो जान निकाला नजर आता है। क्या वाह, इन शरबती आंखों ने मार डाला मेरी जान। बदमाश टांगा रुको। अब ये टांगा नहीं रुकेगा। पहले तो तू शराब ही पीता था, अब लोगों की बहु बेटियां भी उठाने लगा। माँ जी, अब ये क्या कह रही है? ये तो देवता है, इन्होंने गांव के एक बदमाश से मेरी इज्जत बचाई। ये न होते तो आज मुझे आत्महत्या करनी पड़ती। आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों करते हैं? लो, आप हमको प्राय समझती हैं, यही ना? ऐसी कोई बात नहीं है। तो चुपके से लेट जाइए, हम गाँव वाले सीधे साधे होते हैं, शहर वालों की तरह हम में बराबर नहीं होती, जो दिल में होता है वही मुंह पे आ जाता है। कहाँ जा रहा था? माँ कुछ फल ले आऊं इनके लिए। अच्छा, जिस दिन से तू आई है मेरा शामू तो बिल्कुल ही बदल गया है, दिन रात तेरी ही धुन में लगा रहता है। अरे ओ मैम साहब, कौन है आप? वो तो मैं पीछे बोलूंगी, पहले ये बोल कि लोग तो फूल लेकर मंदिर जाते हैं और तू शामू के घर जा रही है। मैं कुछ समझी नहीं। जरा संभल के रहना, मेरे शामू के आसपास लक्ष्मण रेखा है, जो भी मेरे शामू पे डोरे डालेगी आ जाएगी उसकी शामत। ऐसी कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता तो मैंने आज तक नहीं की, जरा टेढ़े चलने वालों को खबरदार कर दिया करती हूँ। हाँ, अब ऐसा लगता है आप बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा लगता है जैसे ये घर अपना ही हो। ये सीमा ने ये क्यों कहा कि उसे हमारा घर अपना घर लगता है? गुरु, बात तो तुम समझ गए हो, फिर मुझसे क्यों करवाना चाहते हो? मेरी जान तमन्ना तेरा सिंगार करूं, जी में आता है के जी भर के तुझे प्यार करूं। तो एक ही रास्ता है, मुझे यहाँ से जाना होगा।
आप जा रहे हैं? एक दिन तो जाना ही था, सोचती हूँ आज क्यों ना चली जाऊं। अरे वाह, आज तुम कैसे जा सकती हो? आज तो बट पूजा का त्योहार है, दूर दूर के गांव से लोग यहाँ आते हैं और तुम जाने को कहती हो। हाँ बेटी, कुंवारी लड़की इस उत्सव पर वर मांगती है। कहते हैं आज की मांगे हुई हर इच्छा पूरी होती है। बिल्कुल स्वर्ग के अप्सरा लगती हो। ए श्यामू, कहाँ चला? इधर आ। देखा कितनी प्यारी लगती है सीमा। परमात ये कह रहे इसने क्यों बने? तू तो बिल्कुल बुद्धू है, जरा भी समझदार होता तो समझ जाता। तू उसे चाहता है ना? पर माँ वो माने तो ना। कल सुबह सुबह शहर चला जा और शादी का सारा सामान ले। डॉक्टर बाबू को भी लाना। हाँ ठीक है माँ। और तेरा राधा दोनों का लगन साथ में कर देती। माँ भैया आ गया, साथ में डॉक्टर भैया भी है। अच्छा अच्छा, तू जरा सब्जी संभाल, मैं अभी आती हूँ। माँ जी प्रणाम। ठीक है रहो बेटा। अरे माँ, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ तुम्हारे डॉक्टर बेटे को। माँ बहुत झूठ बोलता है, मैंने तो जैसे ही शादी के बारे में सुना खुशी से फूला नहीं समाया, भागा चला आया। ठीक है ठीक है, आइए आपको अपनी होने वाली दुल्हन से मिला दूं। चल मियां दिखा। डॉक्टर साहब, ये है मेरी होने वाली दुल्हन। मालूम होता है हम दोनों से धोखा हुआ है। जब हम एक दूसरे के होना चाहते थे तो मिल न सके। शायद प्यार का हमेशा यही अंजाम होता हो। अशोक, तुम मुझे शामू से मांग लो। सीमा, मैंने हमेशा जिंदगी में देना सीखा है, मांग ले। नहीं नहीं छोड़ दो माँ। नहीं बिल्कुल छोड़ो माँ। नहीं छोड़ूंगी। ठहरो पंडित जी, एक किनमिन किनमिन बंद करो। आग मांगने आई थी और घर की मालकिन बन गई, और अब यहाँ कैसे बैठ गई दुल्हन बनकर? और जरा इसको तो देखो कैसे सहरे में मुंह छिपाए बैठा है। अरे बेशरम मर्द हो तो सामने तो आ। आप अशोक शामों की दया। वहाँ मैंने डॉक्टर बाबू को वचन दिया था कि अगर जिंदगी में कभी जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी इनके लिए दे दूंगा। अपनी जान तो दे नहीं सका, लेकिन इनकी जिंदगी इनको जरूर दे रहा हूँ। अरे पंडित, आज इस राधा पिछड़ी और शहरी लोनिया की सुहागरात गंगू के अड्डे पर, आज मैंने शामू से दिल किल का बदला लेना है। मुझे भी पहुंचे हिसाब तो खाने आओगे। भेजली, मैंने तुम्हारा प्यार ठुकराया, लेकिन किस्मत ने ऐसी ठोकर मारी आंखें खुल गई।